हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मोमेंट रूबी। मैं हूँ ट्विंकल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना डेली रूटीन। आज नहीं, मैं एवरी डे शेयर करती हूँ अपने साथ, आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन। सो यहाँ पे ये डे है संडे का, और मैं जिस दिन प्लांट्स लेके आई थी उसी दिन इवनिंग में आके मैं यहाँ पे बना रही थी दाल, चना दाल, क्योंकि चना दाल मैंने भिगो के रख दिया था सुबह में ही, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे टमाटर और थोड़ा सा ऑनियन का पेस्ट मिक्सी में। और चना दाल बॉईल हो गया, चना दाल समझते हैं ना आप लोग, मैं चना दाल बोले जा रही हूँ, नहीं चना दाल ही बोलते हैं उसको, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, हाँ चना दाल ही बोलते हैं, कोई कोई दाल भी बोलता है दाल, तो वही बात। तो यहाँ पे बैटर बन गया है और सॉरी पेस्ट बन गया है, तो चलिए आगे करते तैयारी शुरू। तो यहाँ पे मैं दाल में अपने में तड़का लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल और सॉरी सोयाबीन ऑयल, तो रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। तो इसमें हींग डालेंगे, सारे मसाले डालेंगे, जैसे हम रेगुलर सब्जियाँ छूकते हैं, मतलब सब्जी दाल जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। हींग जीरा रेगुलर हमारे मसाले, और उसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। मसाले होने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको होने का वेट करेंगे। जैसे ये हो जाएगा सारे दाल डाल देंगे। पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा बॉईल करेंगे, कम पानी है तो कम बॉईल करेंगे। शिट, सोना बहुत तेज आंधी आई है, 4:30 बज रहे हैं, हम लोग अंदर थे, एसी चला के सोए हुए थे, और एसी बंद कर दिया मैंने बहुत देर पहले ही, और अंधेरा होता जा रहा था रूम में, और आवाज़ आ रही थी हमारी विंडो में, जो मतलब जिस कांच लगा हुआ ना उसमें से, अब बाहर में हवा की आवाज़ ऐसी आती है जैसे टीवीयों में नहीं सुनाते हैं वो, और बाहर का वेदर देखेंगे आप लोग, ये देखो भयानक हवाएं, और ये अब मिक्कू छुप के देख रहा था मुझे, क्योंकि अभी मैंने उधर में टॉयलेट कराया मिक्कू को, मतलब बाथरूम में लेके गई थी, और मैंने फिर बंद करके फिर मैं लेट गई, मैंने कहा अभी तो 4:30 बजे हैं, क्या करना, उठ के 5 बजे चाय बनाएंगे क्या, ये सो गई थी, तो मैंने बोला मैं बना लूँगी, और बाहर में इतना अच्छा हवा, इतना अच्छा वेदर हो रहा है। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल हो रहा है ना, कितो सुंदर, मुझे लगा था आज बादल तो होएगा, कितना ब्यूटीफुल सा वेदर हो रहा है, एकदम प्रॉपर पानी भरा हुआ है, पड़ेगी बारिश, पड़ेगी जम के पड़ेगी, अभी 2-3 सेकंड लगेंगे पड़ने में स्टार्ट होती है। और ये देखो ये कभी भी ना टावल में कभी भी क्लिप नहीं लगाते हैं, पता नहीं क्यों, उड़ जाए इनकी बला से टावल, चोर ले जाए टावल को, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। मिक्कू महाराज हटो बालकनी, ये क्या करेगा पता है, एक मिनट में फ्रंट कैमरा करती हूँ, ये क्या करता है, ये बालकनी में जैसे झाड़ू पोछे क्लीनिंग हो जाएगी, अभी भी क्लीन पड़ा हुआ है आज मेरा बालकनी है ना, और ये क्या करेगा गधा, इसने देखा कि मैंने पोछा लगाया, मैं बस बाल्टी रख के आऊँगी बाथरूम में, वो टॉयलेट कर देता है यहाँ पे आके फिर से, मतलब बालकनी में मैंने अभी इसको आदत डाली, फिर से मैंने चल बाथरूम में किया कर अब तो बहुत हो गया तेरे बालकनी, छा पापा को उठा ले, टैनी और टैनी के पापा आज सो रहे हैं, और मैं लेटी थी अपना वही वीडियो करी थी, तो मैंने कहा ब्लॉग शाम को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं अपना प्लांट्स यहाँ से दिख रहे हैं, तेरे प्लांट्स दिख रहे हैं विंडो में, धूप थी मेरे नो भी शीशु भी अंदर होंगे, ठंडा हो गया रूम तो, ये ठंडा ही है, अच्छा लग रहा है, घर में अंधेरा देखो कुछ नहीं दिख रहा, 4:30 बज रहे हैं, वाओ वेरी गुड, पंखा चला दू, बाहर की वेदर देखो कितनी ब्यूटीफुल हो रही है, मतलब बहुत जोर से बारिश आने वाली है, एसी की स्विच ऑन है वहां से, नुन्नो भाई चाहिए,
दोनों को हवा नहीं लग पा रही थी। ये देखो मेरे प्लांट सुंदर सुंदर, और बाहर से आ रहा है तूफान। ये देखो मुझे सारे प्लांट्स हटाने हैं, उनको गिर जाएंगे। मैं हटा देती हूँ उनको, बाद में बताऊंगी आपको मैं क्या किस किस का प्लांट है, क्योंकि बहुत जोर से तूफान आ रहा है। ये देखो बड़ी जोर से आया है, मतलब बहुत तेज जाने वाला है। मैंने अपने सारे प्लांट्स हटा दिए, वो भी सीजू का ऐसे ही रख दी तू बिना ट्रे के। थोड़ी देर हवा खा लेंगे, क्योंकि बारिश आएगी तो फिर हटाना पड़ेगा। दोनों हवा खा ले, चल थोड़ी देर। बहुत जोर से आ रहा है, ये देखो। सोचा था कि मैं चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं, मौसम देखो। लो बारिश आ गई, आ गई बारिश मेरे मुंह पे। अभी इधर छोड़ के, और ऐसी जब हवा चलती है ना, सारा इधर ही अंदर आता है। लोग भी खुश हो रहे हैं, लोग भी बिना ट्रे के बैठे हुए हैं, लोग भी को हवा लग रही है। लोग भी सीजू तो यहाँ पे बैठ के ना एसी की हवा खाते हैं। बारिश आ गई, मुझे मिल रहा था। नो, बारिश आ गई है। बारिश छुंदर वाली पारी कर देगा। बारिश आ गई, बारिश। चलो चाय पीएंगे, चाय बनाएंगे ना। ना चाय, अच्छा लग रहा है। सो हेयर वॉश तो मैंने फ्राइडे को किया था, संडे को तो किया ही नहीं। बाल भी अच्छे थे। ये यहाँ पे भी कुछ हो गया है, और यहाँ पे वो बारिश आ गई। चल नो, चल नीचे, थोड़ी सी हवा खाली ना, बस बहुत है। चल 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 चल, एक थोड़ी सी हवा थमे तो मैं अपने प्लांट्स को थोड़ा सा पानी लगा लूँ। बट लगा लूँ क्या, थोड़ा सा लगा लेते हैं। सो कुंडी खोले, चाय बनाओ तुम। अब मैं बना रही हूँ चाय, निक्को वेट करें अपने खाने का। 5 बजे से वेट करना स्टार्ट हो जाता है इस गजे का, और बारिश हो रही है बहुत भयंकर। तो मेरे कुछ प्लांट वहाँ बालकनी में पानी ले रहे हैं हल्का हल्का, और कुछ वहाँ रखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो चल गई, कहाँ जा रही है? सो ओ शिट, इट्स 5 PM। आई वॉन्ट दिस ब्लॉग, कल ब्लॉग नहीं जा पाया था। चलिए चाय लेके चलते हैं। ये हम यहाँ पे चाय पियेंगे, यहाँ तक आ रही है बारिश। यहाँ तक आ रही है, अभी कम है, लेकिन जब अभी हवा चल रही थी तब आ रही थी हवा। चाय पीने, चाय पीने, चाय चाय चाय। ये मेरी है चाय विद बिस्किट। चाय चाहिए तुझे? चाय चाय चाहिए? तो आज है मंडे। मंडे की इवनिंग में मैं बनाई थी यहाँ पे भरमा विंडी। तो भरमा विंडी में वैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट क्या होता है ना, बहुत दिन बाद शेयर करते हैं तो फिर से शेयर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर मसाले यानी कि हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ये सारे लिए हैं। और इसमें बहुत सारे लोग ऑयल भी मिलाते हैं, मैं भी कभी कभी मिला देती हूँ, बट आज मैं सिर्फ ऐसे ही कर रही थी। भिंडी को मैंने कट कर लिया है, एंड अब मैं इसको कर दूंगी, इनमें सारी मैं फिल कर दूंगी फटाफट फटाफट। तो चलिए फिट कर दें। यहाँ पे हम बनाएंगे अपनी सब्जी। सब्जी बनाने के लिए ऑयल डालेंगे, मैं कम ऑयल खाती हूँ, आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा रख लीजिए। हींग डालेंगे बढ़िया से, और बढ़िया से डालेंगे जीरा, और बाकी के जो मसाले वो कम डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। मसाले होने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी भिंडी, और भिंडी में ऑलरेडी नमक मिर्ची सारे हैं, तो मसाले प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा मत कर दीजिएगा। नमक मिर्ची भी ऊपर से डलेगा, थोड़ी सी खटाई भी ऐड कर देंगे, ये मैंने ऐड कर दी। और इसको मिक्स कर देंगे फटाफट से। ज़्यादा ऑयल रखेंगे तो ज़्यादा ऑयली ऑयली बनेंगे, बट ऐसे नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल बनेंगे। दिखाती हूँ मैं कैसी बनी थी मेरी भिंडी, वैसे खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी।
चलिए तो ये देखिए हमारी भिंडी बन के रेडी है। डिनर में आप दही भिंडी एंड रोटियां खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। पराठा हो तो सोने पे सुहागा। गाइस सो अभी हो रही है मॉर्निंग और यहाँ पे ये दूध, ये है मलाई जो जमा रही हूँ। यहाँ पे मैं दवाई दही जमा चुकी हूँ, अभी जमाया है जस्ट। और यहाँ पे है ये मलाई जिसको मैं जमाऊंगी, फिर कल इसका कल या परसों अट्ठा चलाऊंगी, और जहाँ तक है तो कल ही चलाऊंगी। यहाँ पे हमारा हलवा, और अभी घड़ी में बजे 7:45 सुबह के, और इसको खाना नहीं मिलेगा। स्टाइल देखिए बैठने का बाहर, मैं तेरे प्यार नहीं कर रही हूँ, समझ में आया तुझे? जा तू प्लांट्स खा जा। इसने क्या किया, आँख बचते ही गया, इसने कड़ी पत्ता का पेड़ खींचा होगा। मैं आपको प्लांट से मिलाना भूल गई, सॉरी, मैं अभी मिलाती हूँ। कड़ी पत्ते का इसने पेड़ खींचा होगा तो वो तो गिर गया, नहीं खा पाया। तो इसने जो मैं एक और प्लांट लेके आई हूँ, बताऊंगी अभी कौन सा, उसको खाने को थोड़ा सा तोड़ के ले आया। फिर मैंने इसको डांटा, क्योंकि अगर डांटूंगी नहीं तो ये तो आए दिन उसमें से निकालने का भी कैसे खाएगा, यही करेगा। तो यहाँ पे पहले मैं जमा दूँ अपनी मिठाई, और मैं इसमें जमाती हूँ, इससे क्या होता है आराम से चलने में ईजी रहता है इसमें। गर्म हो जाए और फिर अभी ये ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाएंगे गाएंगे, और तैनू मैया हमारी सो रही है। और कल रात को मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों, एक कुछ दिन से ना जो वेदर चल रहा है ना, उसमें ना मेरे आईज में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़ा प्रॉब्लम हो रही है आईज में, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सो इसलिए एंड हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि जैसे जो सैनिटाइज़र जो होते हैं, तो बड़े बड़े कितना लीटर लगाते हैं ये तो मैं भूल गई, मतलब फुल एक जैसे किसी की शॉप पे लगता है कहीं पे, बहुत ज़्यादा लग रहा है किसी को सैनिटाइज़र। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, या इंस्टा पे अगर मैसेज कीजिए तो मुझे बोलिए पहले, तो आप लोगों को घर पे डिलीवर हो जाएगा। और आप पहले पता कर लीजिए कितने का क्या है, सब बता दीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की शॉप जो लोग ओपन कर रहे हैं तो उन लोगों की शॉप्स पे लग रहा है, और जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ से सप्लाई कर दिया जाएगा आप लोगों को सैनिटाइजर। ठीक है, बजाज का, सॉरी ब्रांड बताना भूल गई, बजाज का सैनिटाइजर। ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स भी हैं, अगर आप उसका पूरी पूरी, मतलब अगर आप अपना किसी का शॉप है वो अपनी शॉप पे देखना चाहे वो भी ले सकते हैं। तो इस छोटा भी है, उससे बड़ा भी है, एंड बड़े जो प्रॉपर बड़े बड़े आ रहे हैं ना, जिससे मतलब पूरा घर किसी को सैनिटाइज करना होता है, किसी को अपने शॉप पे रखना होता है, तो छोटे छोटे तो नहीं रखेगा, तो बड़ा बड़ा रख रहे हैं। तो पूरा एक मिनट, जो 5 लीटर की वो पूरा एक कैन है, और वो 1100 कुछ का है, 1100 का है। एंड बस आप लोगों को क्या लगेगा कि जैसे आप जहाँ भी एरिया में रहते हैं उसका डिलीवरी चार्ज लगेगा बस, और आप कहीं भी पता भी कर सकते हैं। वैसे भी बजाज का है वो, जो भी ये डायरेक्ट फैक्ट्री से आएगा, फैक्ट्री जहाँ से इनका, जहाँ से ये लोग, इनका जो भी काम है मुझे नहीं पता ठीक से, लेकिन इतना पता है कि वो बड़े बड़े लगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मंगाया है वो इनसे बोल के, जो जिन जिनकी शॉप्स हैं या उनको रेगुलर बेस में बहुत लग रहे हैं सैनिटाइज, तो इसलिए। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, और फिर मुझे बोल भी दीजिएगा कि इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया है, तो मैं एक बार चेक कर लूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम मैं ओपन करती ही नहीं हूँ, बहुत कम ओपन करती हूँ। सो ओके, चलिए प्लान से मैं आती हूँ, अभी रुक जा। हाँ, तो हमारा दही जम के रेडी है, इसमें रख, मतलब मलाई जमा के रख दी, अब ये जमेगा, अब चलते हैं बाहर। ये देखो, एक हमारे यहाँ पैरदान है, इससे पैर पहुँच सकते हैं हम, गधू। अब ये सोचेगा मैं इसको खाना दे रही हूँ, अभी नहीं मिलेगा इसको, 8 बजे मिलेगा। और ये है हमारी तुलसी मैया, जो मैंने इसमें लगाई है, और इसी को मैन में लेने गई थी, और ये अभी मुझे क्लीन करना है। इसमें कल ऐसा था, बारिश का पानी लगाया था मैंने, तो ये है मेरी तुलसी मैया। ये मैं
मतलब मेरा वैसे तो इच्छा था कि कभी भी घर होगा ना, क्योंकि जब से मैं छोटी थी ना तब से मैं जहाँ पे भी हम रेंट पे रहते थे तो मैंने कई लोगों को इनकी पूजा करते देखा था। और जिस तरीके से वो लोग रखते थे, जैसे आंगन में बना के ईंटों से ऐसे रखते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये मैंने ऐसा प्लास्टिक में भी मैंने देखा, मेरी शॉप यहाँ पे पीछे कई शॉपों पे मैंने पहले देख चुकी हूँ, बट मुझे ना क्या था कि मुझे प्लास्टिक करनी चाहिए। ये देखिए, ये चीनी मिट्टी, मतलब एक तरीके से चीनी मिट्टी का है, मार्बल के भी होते हैं। तो जहाँ पे हम नर्सरी में गए थे तो वहाँ नर्सरी में से ही हम इसमें मिट्टी लगवा के और प्लांट्स को लगवा के वहीं से ये वाला प्लांट, मतलब ये तुलसा जी को हम वहीं से लगवा के ले गए। अभी क्लीन करना है और इसमें देखिए स्पेस भी दिया है जिसमें मैं ऑयल भर मतलब दीपक जला सकती हूँ। और चलिए बाकी के प्लांट्स इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो ये रहे हमारे बाकी के प्लांट्स। तो ये है एक एग्नोमिनिया ऐसे करके कुछ नाम है इसका, बट मैंने इसको एक नाम दिया है मिस्टर छोटो। ये दीवाल खाई हमारे मिक्कू ने। तो ये है, इसके पत्ते भी अभी भी खुल रहे हैं, खुलेंगे। तो इसको मैं कल वाश जो गमले हैं वो भी लेके आई हूँ जिनमें ये लगाने हैं, मुझे पॉट लेके आई हूँ। तो इसको भी मैं डायरेक्ट बड़े में ही लगा दूँगी ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। और ये स्नैक प्लांट, और स्नैक प्लांट दो तीन तरह के में आते हैं, और ये एग्नोमिनिया भी दो तीन तरह से आता है। ये एक कलरफुल है, एक येलो में आता है, जैसे इसमें रेडिश है ना, एक येलो में आता है। और इसमें तीन तो मैंने देखे हैं, तीन आते हैं इसमें। और ये हमारे प्राण के नाथ लेके आए हैं लेमन का ट्री, लेबू ट्री ही बंगला में बोलते हैं, ठीक है। ये है नींबू का पेड़, ये पता नहीं क्यों लेके आए हैं। सोना मालूम है, पत्ते भी ना पीले पीले हो रहे हैं, सारे पत्ते भी पीले पीले हो रहे हैं अभी एक्चुअली। हाँ, जड़ वड़ निकल रही है ना, तो इसके लिए हम बड़ा एकदम बड़ा गमला लेके आए हैं। और ये है हमारी, ये जैस्मिन है ना, क्यों सोना, जैस्मिन है ना ये, ये है जैस्मिन। और टैनी की डॉल का भी नाम जैस्मिन है, तो टैनी को बोला जैस्मिन है तो कहती अच्छा ये जैस्मिन का है। मैंने कहा जैस्मिन का है नहीं है, ये जैस्मिन प्लांट है। तो इनका ना सबका एक एक नाम देना है मेरे को, जैसे इसका दे दिया मैंने मिस्टर छोटू, ठीक है। और इसको भी सब लगाने हैं मुझे, मैं प्लांट्स लेके आई हूँ। अब नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है हमारा कड़ी पत्ता, क्योंकि कुछ भी चीज़ मंगाओ बनाओ तो मांगना पड़ता था, तो इसलिए मैं इसको ही उठा ली। ये मैं पहले भी लेके आई थी, तो इसके पत्ते थोड़े से मुरझाए इसलिए लग रहे हैं, क्योंकि नर्सरी में क्या होता है ना, ये लोग रखे रहते हैं वहाँ पे, तो नीचे ना मिट्टी मिलती है इनको रखे टाइम पे भी, तो इतना इनका नहीं। और आसपास में कई पेड़ भी मिलते हैं और तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ हम घर में लाते ना तो नीचे जमीने तो ऐसे ज़्यादा देर नहीं रख सकते, तो आज ही मुझे इनको करना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी और कैसे लगे मेरे आपको प्लांट्स। और भी लेके आऊँगी, लेकिन पहले मैं इनको सेट कर लूँ, अभी नहीं लाऊंगी। ये तो ये क्या बोले थे पता है, आपने सुना होगा लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था ना, ये वाला प्लांट देखे गए थे बाद में लेना, बट मुझे ये लेना ही थे, दोनों प्लांट्स मतलब इंडोर प्लांट लेने ही थे, मुझे अच्छे लगते हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी मैं कैसा पॉट लेके आई हूँ, क्या क्या लेके आई हूँ एंड ऑल। और इसका भी मुझे और भी छोटे छोटे लगाने हैं, ये भी है। तो चलिए बाय बाय, ठीक है, लाइक बाय। कैसे लगा मेरा वीडियो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बाय।